सर, मैं स्वास्थ्य मंत्री के सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि फंड की कमी का असर दवाइयों पर पड़ रहा है। सिंहदेव ने यह भी कहा है कि इसके लिए उन्होंने वित्त विभाग से आग्रह किया है ताकि दवाई खरीदी के लिए पेमेंट की जा सके, जिसमें कोई दिक्कत ना हो वो ना आए और समय पर फंड उपलब्ध कराया जाए। आगे उन्होंने कहा है कि 15 जून से यूनिवर्सल हेल्थ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वहीं मंत्री सिंहदेव ने यह भी बताया है कि सरगुजा मेडिकल कॉलेज की कुछ सीटें वापस मिल सकती हैं। समझ दवाइयों का एक मुझे जो महसूस हो रहा है दिक्कत आ रही है पेमेंट की। आपने जो सामान खरीदा समय पे अगर उसका भुगतान नहीं कर पाओगे तो सामने वाला आपको सप्लाई करना एक सीमा के बाद बंद कर देगा। उधारी एक सीमा तक चल सकती है, एक सीमा के बाद उधारी नहीं चलेगी। तो बार बार वित्त विभाग को भी हम लोग इस बाबत लिख रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि ये व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था ही नहीं चल सकती है जब तक कि समय पे पेमेंट्स ना हो। तो फंड्स उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ये देनदारियां हमको पूरी करनी पड़ेंगी और देनदारियां पूरी होंगी तभी ये आगे के लिए भी क्रय की स्थिति बन सकती है। मध्यप्रदेश के मुख्य